जो धीर ध्यान में लगे, ज्ञानी बुद्ध उसी को कहते हैं जो ध्यान में लगा है, वही है धीर पुरुष जो ध्यान में लगा है। जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान होगा। जो ध्यान का अर्जन कर रहा है वही ज्ञानी है, वही धीर है, क्योंकि ज्ञान तो बासा है और उधार है, ध्यान से अपनी अनुभूति संग्रहित होती। जो ध्यान में लगे वे धीर, जो परम शांत निर्वाण में रत है, और निर्वाण का अर्थ है बुद्ध की भाषा में परम शांति की खोज, जहां कोई तरंग ना रह जाए, जहां चित्त की सारी तरंगें शांत हो जाएं, झील मौन हो जाए, जहां कोई लहर ना आए ना जाए, तृष्णा ना हो, वासना ना हो, कामना ना हो, वही आत्मा है। ऐसे शांत निर्वाण में रत जो धीर हैं, ध्यान में जो लगे हैं, उन स्मृतिवान संबुद्धों की स्पृहा देवता भी करते। ऐसा जो स्वयं के बोध को उपलब्ध स्मृतिवान संबुद्ध हो गया है, जाग गया है, देवता भी उसकी स्पृहा करते। देवता भी वैसा हो जाना चाहते, देवताओं के मन में भी ईर्ष्या जगती। इस गाथा को जब कहा उस परिस्थिति को समझ लेना जरूरी है। बुद्ध ने श्रावस्ती में 3 मास का वर्षावास पूरा किया। उस वर्षावास में वे सतत समाधि में लीन रहे, बाहर निकले नहीं, लोगों से बोले नहीं, नियमित रूप से जो उपदेश देते थे वो भी न दिया। 3 माह अपने में ही डूबे रहे। बौद्ध ग्रंथ कहते 3 माह वो पृथ्वी पर ना रहे, बड़ी मीठी बात। 3 माह वो कहीं और रहे, किसी और लोक में विचरे। कथाएं अद्भुत हैं हमारे पास, उनका अर्थ समझ में आने लगे तो उनमें से ऐसे मणि माणिक के झरने लगते। कहां गए बुद्ध, 3 माह कैसे लीन हो गए? प्रश्न उठने स्वाभाविक थे भिक्षु संघ में, क्योंकि बुद्ध तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। अब समाधि में रहने का, आंख बंद करके बैठे रहने का, 3 महीने तक बाहर ना आने का क्या कारण होगा? हजार हजार प्रश्न उठे होंगे, जिज्ञासाएं जगी होंगी, अफवाहें उड़ी होंगी। जब बुद्ध लौटे तो उन्होंने कहा मैं स्वर्ग गया था, क्योंकि देवताओं की बड़ी आकांक्षा थी कि उन्हें भी उपदेश दूं। वे मेरे पीछे पड़े थे, वे कहते थे मनुष्यों मनुष्यों को ही समझाते रहोगे, हम पर दया कब होगी? इस बात पे तो शायद लोगों को भरोसा भी ना आता, लेकिन भरोसा करना पड़ा, क्योंकि 3 महीने बाद जिस भवन में 3 महीने तक मौन रहे थे उससे बाहर उतरे तो लोग चकित हो गए। घटना ऐसी घटी कि न मालूम कितने देवता भी उस दिन स्वागत करने के लिए खड़े थे, न मालूम कितने मनुष्य और न मालूम कितने देवता। देवताओं और मनुष्यों का अद्भुत सन्निपात हुआ, संख्यातीत था सन्निपात। देवता मनुष्यों को देखने लगे और मनुष्य देवताओं को देखने लगे। मनुष्यों को तो बिल्कुल भरोसा ही ना आया कि ये देवता यहां क्या कर रहे हैं, ये यहां कैसे आए। बुद्ध की बात पर तो शायद वो भरोसा भी ना करते, लेकिन जब ये अनंत अनंत देवता स्वागत के लिए खड़े थे तो उन्हें मानना ही पड़ा कि बुद्ध कहते हैं वो 3 माह तक स्वर्ग में रहे, वहां देवताओं को समझाया, जरूर समझाया होगा, इतने भक्त हो गए पैदा, वो सब खड़े हैं द्वार पर स्वागत करने के लिए। उस दिन भगवान की शोभा अवर्णनीय थी, जैसे उनके चारों ओर इंद्रधनुष घिरा था, 7 रंग उनके देह से फूट रहे थे, सभी रंगों की अभिव्यक्ति हो रही थी। भगवान के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भगवान न तो ऐसा कभी देखा था और न सुना था, उसे बहुत दिन हो गए भगवान के साथ रहते, लेकिन ऐसा कभी उसने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था कि देवता और भगवान के लिए आतुर होकर खड़े हैं स्वागत में।
भंते, मनुष्य ही नहीं देवता भी आपको चाहते हैं, ऐसी उसने जिज्ञासा की। तब भगवान ने कहा, संबोधि परम घटना है, उसके पार कुछ भी नहीं, स्वभावतः देवता भी उसके लिए तरसते हैं, लालायत होते हैं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, ए ज्ञान पशुता धीरा नेख खम पमसे रता देवामी तेसम पिहंती संबुद्धानम सती मतम। जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिवान संबुद्धों की स्प्रहा देवता भी करते हैं। अब इस कथा को समझने की कोशिश करें। देवता शब्द से बहुत परेशान मत हो जाना। अकेला भारत ऐसा देश है जिसने ध्यान की गहरी गहराइयों में प्रवेश किया है या ध्यान की ऊंची ऊंचाइयों में गया है। अकेला भारत ऐसा देश है जिसको यह बात साफ हो गई है कि आदमी सबसे ऊपर नहीं, मनुष्य से ऊपर भी चैतन्य की दशाएं। देवता का इतना ही अर्थ होता है। जैसे मनुष्य के नीचे पशु पक्षी हैं, ऐसे मनुष्य के ऊपर देवता हैं, देवताओं की कोठियां हैं। और यह बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है, क्योंकि मनुष्य अंत हो भी क्यों, आखिर मनुष्य पर सारा विकास रुके भी क्यों, मनुष्य मध्य में है, पीछे बड़ी यात्रा है और आगे बड़ी यात्रा है। स्वभावतः जो पीछे हो गया वो तो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हो चुका है। जो अभी आगे होने को है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो दिखाई कैसे पड़े। इसलिए देवता दिखाई नहीं पड़ते। देवता का अर्थ है हमारी संभावनाएं, देवता का अर्थ है हमारे चित्त की ऊंची तरंगे। हम जिस तरंग पर जी रहे हैं इससे भी ऊंची तरंगें चित्त की हैं। कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी किसी आदमी में देवत्व के लक्षण होते, कभी किसी आदमी को देख के तुम्हें लगता है कि मन कह उठता है देवता है। क्यों कह उठता है मन? क्योंकि आदमी जैसा आदमी है, हड्डी मांस मज्जा है, लेकिन फिर भी लगता है चेतना किसी और तल पर है, कहीं और है। देवता का अर्थ समझ लेना, देवता का अर्थ होता है मनुष्य से ऊपर शुद्ध चैतन्य की और तरंगे। लेकिन एक और अनूठी बात भारत को खोज में आई है, और वह अनूठी बात यह है कि देवता भी अंतिम अवस्था नहीं है, अंतिम अवस्था बुद्धत्व है। और बुद्धत्व को पाने के लिए मनुष्य चौराहा है। मनुष्य के नीचे पशु पक्षी, उनको भी अगर बुद्ध होना हो तो मनुष्य तक आना पड़ेगा। मनुष्य चौराहा है, और मनुष्य के ऊपर देवता हैं, देवताओं की अनेक कोटियां हैं, लेकिन उनको भी अगर बुद्ध होना हो उनको भी मनुष्य तक आना पड़ेगा। ऐसा ही समझो कि जब भी तुम्हें राह बदलनी हो तो चौराहे पर आना पड़ता है। तुम चले गए स्टेशन की तरफ, तुम आगे निकल गए चौराहे से, लेकिन अब तुम्हें राह बदलनी, तुम्हें नदी की तरफ जाना, तो तुम वापस चौराहे पर लौटते हो, क्योंकि चौराहे से ही रास्ता नदी की तरफ जाता है। मनुष्य चौराहा है, इस सारे अस्तित्व का चौराहा है मनुष्य। उससे पीछे की तरफ भी रास्ते जाते हैं, आगे की तरफ भी रास्ते जाते हैं, और अतिक्रमण की तरफ भी रास्ते जाते हैं। सबसे ऊपर तो अतिक्रमण की दशा है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है मन समाप्त ही हो गया। देवता का अर्थ है मन की तरंगें और सुंदर और प्रीतिकर हो गई। मनुष्य की तरंगें उतनी सुंदर नहीं, उतनी प्रीतिकर नहीं, देवता की तरंगें प्रीतिकर हैं, सुंदर हैं। नारकी का अर्थ है मनुष्य से भी नीचे गिर गई तरंगें और दुख हो गया। इसलिए हम कहते हैं नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है। सुख का मतलब इतना ही होता है कि तुम्हारी तरंगें सुख को पकड़ने में ज्यादा समर्थ हो गई। दुख का अर्थ इतना ही होता है कि तुम्हारी तरंगें दुख को पकड़ने में ज्यादा समर्थ हो गई। तुमने कभी ख्याल किया, दो आदमी एक ही जगह बैठे हों, एक सुखी हो सकता है एक दुखी हो सकता है। दो आदमी एक ही अवस्था में हों, एक सुखी हो सकता है एक दुखी हो सकता है। क्या कारण होगा, तुम्हारा चित्त क्या पकड़ता है, इस पर सब निर्भर है। अल्दुस हक्सले पश्चिम का एक बड़ा विचारक था,
उसने जीवन भर बड़ी अनूठी किताबें इकट्ठी की, बड़ा संग्रह था उसके पास किताबों का, और अनूठे अनूठे ग्रंथ इकट्ठे किए थे। और एक दिन अचानक आग लग गई, वो जीवन भर उन्हीं को इकट्ठा करता रहा था। उसकी पत्नी लारा हक्सले ने तो समझा कि वो एकदम गिरी पड़ेगा, उसका हार्ट फेल हो जाए, ये तो उसका प्राण था। किताब पर दीमक न लग जाए, किताब पर सीलन न आ जाए, ऐसी फिक्र करता था। 24 घंटे किताबों में ही रत था, उसकी सारी की सारी संपदा जीवन की जलकर राख हो गई। पत्नी तो घबराई, पत्नी को किताबों में कुछ लेना देना भी नहीं था, मगर ये पति को क्या हो जाएगा कहानी। वो उसके बगल में ही खड़ी और लपटें उठती गईं, बहुत बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन सब मकान राख हो गए। लेकिन लारा बहुत चौंकी, क्योंकि हक्सले चुपचाप खड़ा देख रहा है, दुखी भी नहीं मालूम होता, बेचैन भी नहीं मालूम होता, बल्कि एक तरह की प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलक रही। वो उसने कहा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप और प्रसन्न, कभी कोई एक किताब बच्चा फाड़ दे या लकीर खींच देता था तो आप ऐसे नाराज हो जाते, अगर एक किताब खो जाती थी तो आप दीवाने हो जाते थे, रात सो नहीं सकते थे, अगर कोई मित्र किताब मांगता था तो आप देते नहीं थे, डरते थे कि कहीं लौटाए ना लौटाए, मित्रता चाहे खो जाए किताब देने को राजी ना थे। और आज सब जल के राख हो गया है, आप प्रसन्नता से खड़े। हक्सले ने कहा मैं भी चौंक के देख रहा हूं, और बड़े आश्चर्य की बात है, तू ही चकित नहीं, मैं भी चकित हूं, ऐसा लग रहा है कि मन से एक बोझ उतर गया, हल्का हो गया, इतना हल्का मैं कभी भी नहीं था, प्रभु की कृपा, ये बोझ गया, ये बोझ उतर गया, ये मेरा मोह था ये भी गया, अच्छा ही हुआ। ये अचानक लगी आग सौभाग्य, इसको कहेंगे देवता। इसके मन की तरंग दुख में से भी सुख को पकड़ लेती है। मुल्ला नसरुद्दीन को लॉटरी मिल गई, लाख रुपया मिल गए, भागा हुआ घर आया और पत्नी को कहा खुशी मनाओ, नाचो गाओ। पास पड़ोस की स्त्रियों से बैठी पत्नी उसी की निंदा कर रही थी, पत्नियां और करें भी क्या। और ये बीच में आ गया, उसने लाके लाख रुपए एकदम बीच में रख दिए और कहा देखो लॉटरी मिल गई। पत्नी ने कहा लॉटरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने जो टिकट खरीदी वो रुपया कहां से पाया, क्योंकि वो सब नगद रखवा लेती तनख्वाह पे, ये रुपया आया कहां से। ये एक नारकी चित्त है, लाख रुपए आ गए उसकी खुशी नहीं है। उसने कहा छोड़ो लॉटरी वाटरी, पहले ये साफ करो कि रुपया तुमने पाया कहां से जिससे टिकट खरीदी थी। आदमी आदमी में फर्क है, तुम भी अपने भीतर जांचना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम सदा एक ही अवस्था में होते हो, कभी कभी तुम नारकी अवस्था में होते हो, कभी कभी स्वर्गीय अवस्था में होते हो, किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम भी बड़े उदार होते हो कि सब दे डालो, और किन्हीं क्षणों में बड़े कृपण हो जाते हो, किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम भी जीवन में प्रकाश देख पाते हो, किन्हीं किन्हीं क्षणों में सब अंधेरी रात हो जाती, तुम भी नकारात्मक और विधायक में डोलते रहते हो। कभी सुबह अचानक तुम पाते हो कितना सब हल्का, और किसी दिन अचानक पाते हो सब बोझ भारी, मर ही जाते तो अच्छा था, क्या सार। कभी असार में सार दिखता है और कभी सार में भी सार नहीं दिखता। तो ऐसा मत सोचना कि देवता कहीं आकाश में रहते और नारकी कहीं दूर पाताल में रहते। तुम भी कभी कभी देवता हो जाते हो और कभी कभी नारकी हो जाते, कभी कभी पशु हो जाते हो और कभी कभी परमात्मा हो जाते। क्षण भर को कभी तुम भी झलक जाते हो प्रकाश से, तुम भी भर जाते हो रस से। उन्हीं क्षणों में तुम प्यारे आदमी हो जाते हो, उन्हीं क्षणों में लोग तुम्हें प्रेम करने लगते, उन्हीं क्षणों में लोग तुम्हारे मित्र हो जाते। लेकिन वे क्षण टिकते नहीं, खो जाते। देवता का अर्थ है जिसने उन ऊंचाइयों पर रहना थिर कर लिया। लेकिन देवता भी आखिरी अवस्था नहीं है, देवता को सुख तो ज्यादा है, लेकिन जहां सुख है वहां दुख की संभावना सदा मौजूद रहती, जहां दिन है वहां रात होगी, विपरीत बना रहेगा। बुद्धत्व का अर्थ है न दिन रही न रात। बुद्ध की अवस्था
दोनों के पार है, द्वंद्व के पार है। इसलिए जब कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो उसमें सभी उत्सुक होते हैं, उसमें पशु पक्षी भी उत्सुक हो जाते हैं, उसमें देवता भी उत्सुक हो जाते हैं, उसमें मनुष्य भी उत्सुक हो जाते हैं, उसमें बुरे से बुरे आदमी भी उत्सुक होते हैं, उसमें भले से भले आदमी भी उत्सुक होते हैं। जिसमें भले ही भले आदमी उत्सुक हो वो महात्मा है, जिसमें बुरे ही बुरे आदमी उत्सुक हो वो असंत, और जिसमें भले और बुरे दोनों तरह के आदमी उत्सुक हो जाएं वो बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति। क्योंकि बुरे को भी उसमें से द्वार दिखाई पड़ता है, भले को भी द्वार दिखाई पड़ता है। इसलिए जब भी कहीं कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति होगा तुम उसके पास बुरे से बुरे आदमी पाओगे, भले से भले आदमी पाओगे। उसके पास एक समागम होगा, मनुष्यों का, पशुओं का, देवताओं का एक सन्निपात होगा। अगर तुम कहीं जाओ और अच्छे अच्छे आदमी पाओ तो समझना कि महात्मा, अगर बुरे ही बुरे आदमी पाओ तो समझना कि कोई अपराधी। जहां तुम्हें दोनों तरह के लोग मिल जाएं वहां तुम समझना कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है, क्योंकि वहां दोनों की आतुरता है। बुरा भी पार होना चाहता और भला भी पार होना चाहता, बुरा बुरे से थक गया है, भला भले से थक गया है, बुरा दुख से थक गया है, भला सुख से थक गया है। वहां गरीब को भी पालोगे, अमीर को भी पालोगे, वहां अपड़ को भी पालोगे, पढ़े हुए को भी पालोगे, वहां तुम सब तरह के द्वंद्व एक साथ पालोगे। जहां सब द्वंद्व एक साथ उत्सुक हो जाते हैं उसका अर्थ है वहां से कोई संक्रमण है, वहां से कोई संक्रांति घट सकती है। ये कथा मीठी है। इस घड़ी में बुद्ध ने ये सूत्र कहे, जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांति में रत हैं, उन स्मृतिवान संबुद्धों की इस प्रहार देवता भी करते हैं। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, मनुष्य का जीवित रहना दुर्लभ है, सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, और बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छ मच्चान जीवितम, किच्छम सद्धम समणम किच्छो बुद्धानम उपादो। बुद्ध कहते हैं पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य बहुत थोड़े हैं, पशु पक्षी पत्थर कितने अनंत। तो पहले तो इतनी सारी योनियों को खोजते खोजते कोई आदमी मनुष्य हो पाता है। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, और जन्म भी पाके क्या होता है, मनुष्य की तरह जीवित रहना और भी मुश्किल है। बहुत से लोग मनुष्य की तरह जन्म पा लिए लेकिन मनुष्य है नहीं, सकल सूरत से मनुष्य, रंग ढंग से मनुष्य, भीतर अभी भी पशुता भरी, भीतर अभी भी पशु के ढंग से ही जी रहे हैं, भीतर अभी भी पार्श्विक आकांक्षाएं भरी हैं। तो पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, फिर मनुष्य होके जीना और दुर्लभ, फिर अगर मनुष्य होके जीना भी आ जाए तो सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी सी मनुष्यता का रस आ जाता है उन्हें बड़ा अहंकार जगता है, वो अपने को कुछ समझने लगते। कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, कोई कहता है मैं त्यागी हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, कोई कहता है मैं वो हूं, देखो मैंने कितना शुभ किया, कितनी सेवा की, तो अहंकार पकड़ता है, और जब अहंकार पकड़ता है तो श्रवण मुश्किल हो जाता है, फिर किसी के चरणों में जाना, सद्धर्म को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, और अगर श्रवण की क्षमता भी हो, तैयारी भी हो, तो बुद्ध पुरुष को पाना बहुत मुश्किल है कि जिसको सुन के कुछ हो जाए, जिसको मात्र सुनने से कुछ हो जाए, श्रवण मात्रेण, और बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है।